आज के समय में आधार कार्ड हर किसी के लिए जरूरी हो चुका है। छोटे से छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े इंसानों तक आधार कार्ड बनाना जरूरी हो गया है और इंडिया में हर जगह डॉक्यूमेंट के तौर पर वैलिड माना जाता है। लेकिन कई बार ओरिजिनल आधार कार्ड खो जाने पर या घर से कहीं बाहर हो और वहाँ पर अगर आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है और आपके पास कार्ड ना होने पर आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। ऐसे में अगर आपको ये पता हो कि कैसे आप अपने मोबाइल से आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं तो आप कभी भी कहीं से भी सिर्फ एक मिनट में अपने आधार कार्ड को मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है उत्तम पटेल और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सिर्फ एक मिनट में अपने आधार कार्ड के फुल पेज को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आधार कार्ड को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है गूगल पर। यहाँ पर आपको सर्च करना है UIDAI। इसको सर्च करने पर आपको पहला ही ऑप्शन गवर्नमेंट साइट का दिखाई देगा। आपको इस UIDAI.gov.in पर क्लिक करना है जिससे आप आधार की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहां पर थोड़ा सा नीचे आने पर आपको गेट आधार का ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें आपको नीचे डाउनलोड आधार का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस डाउनलोड आधार पर क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा है कि यहाँ से आप आधार की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं और ये PDF फाइल पासवर्ड से प्रोटेक्ट की हुई है। इसका पासवर्ड क्या होगा वो भी मैं आपको फाइल डाउनलोड करने के बाद समझाऊंगा। यहाँ नीचे आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं। एक तो आप अपने आधार नंबर से इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नया आधार कार्ड बनवाते समय आपको जो इनरोलमेंट ID मिला हो उससे भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप वर्चुअल ID की मदद से भी इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपना आधार नंबर डालूँगा। आधार नंबर को डालने के बाद आपको यहाँ पर नीचे इस बॉक्स पर टिक करना है। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे एक कैप्चे फिल करना है। और फिर सेंड OTP पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल में एक OTP आएगा जिसको आपको यहाँ पर डालना है। और नीचे एक सर्वे है, अगर आप इसका जवाब देना चाहे तो दे सकते हैं, वरना आपको इसमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। और फिर वेरीफाई एंड डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है और हो गया आपका आधार कार्ड डाउनलोड। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो देख लेते हैं इसका पासवर्ड क्या होगा। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आने पर यहाँ पे आपको समझाया गया है कि आपके आधार कार्ड का पासवर्ड क्या होगा। यहाँ पर लिखा है कि आपका पासवर्ड आपके नाम के पहले 4 अक्षर और आपके जन्म के वर्ष, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। और नीचे एग्जाम्पल भी दिया गया है कि अगर आपका नाम अनिश वाई कुमार है और जन्म का वर्ष 1989 है, देन योर ई अदर पासवर्ड इज अनिश 1989। तो दोस्तों, आपको ये प्रोसेस समझ आ ही गया होगा। आप अपने आधार कार्ड को मोबाइल में डाउनलोड करके रख सकते हैं। पासवर्ड होने से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और ज़रूरत पड़ने पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कॉपी पे दिए हुए इस सिग्नेचर वैलिडेशन के साइन से ये प्रूफ होता है कि ये ओरिजिनल है। यहाँ तक कि पासपोर्ट ऑफिस पर भी इसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के तौर पर वैलिड माना जाता है। लेकिन इस फाइल को डाउनलोड करने के लिए आपको अपना आधार कार्ड नंबर पता होना चाहिए और आपका मोबाइल नंबर आपके आधार के साथ लिंक होना ज़रूरी है।
लेकिन अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, या आपने वो नंबर बंद करा दिया है, या किसी और कारण से आप OTP वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे आप अपने आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी को अपने घर पर मंगा सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे BeSmart चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर से प्रेस कर लें, ताकि जब हम अपना ये नया वीडियो लाए तो उसकी जानकारी आपको मिल सके। इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। देखते रहे BeSmart। थैंक यू।